जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह अपनी वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ आपके लिए खास जानकारी, साल 2021 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के बारे में। यही बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, यानी कैंसेरियंस का कैसा रहेगा। अंग्रेजी में कर्क को कैंसर कहते हैं, जोडियक साइन। तो कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए हर मायने में साल 2021, यही बताने वाले हैं। क्या उपाय करने हैं ये भी आपको वीडियो के आखिर में हम बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। पहले करियर की बात करते हैं, जो लोग जॉब व्यवसाय करते हैं, साल 2021 कर्क राशि वालों का कैसा बीतेगा ध्यान से सुनिए। इस वर्ष कर्म के स्वामी मंगल आपके 10वें घर में स्थित रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके कार्यस्थल में प्रगति के काफी आसार हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान नौकरी की तलाश कर रहे लोग भी सफलता प्राप्त करेंगे। इस वर्ष सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो सरकारी नौकरियों में है। पूरे साल भर शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जो आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस साल के शुभ महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के होने वाले हैं। रसायन, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय करने वाले जातकों को उनके काम में सफलता हासिल होगी। अप्रैल से सितंबर तक के महीने के दौरान आपको बेहद ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाग्य में गिरावट हो सकती है, छवि पर भी आपके नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, ये बात की जॉब और बिजनेस वालों की। अब बात करेंगे पैसों की, कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2021 में आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा ये सुनिए। आर्थिक पक्ष के लिहाज से कर्क राशि के जातकों के लिए साल अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आय और पारिवारिक जीवन के स्वामी सूर्य छठे भाव में बुध के साथ युति में मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि आर्थिक लिहाज से आपके लिए ये समय बेहद शुभ रहने वाला है। इस साल काफी मुनाफा हासिल होगा, आपके व्यवसाय में वृद्धि और विकास होने की भी प्रबल संभावना है। जैसा कि छठा घर दुश्मनों का भी घर कहा जाता है, इसीलिए इस वर्ष आपके दुश्मन आपके हर काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने दुश्मनों पर जीत हासिल होगी। पंचम भाव में शुक्र और 11वें घर में राहु की स्थिति इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि इस साल आपको ढेरों मुनाफा या लाभ हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय शुभ साबित होगा। जनवरी से अप्रैल तक का समय भाग्य के लिहाज से थोड़ा कम अनुकूल रहेगा, आर्थिक स्थिति का आपको उचित ध्यान रखना होगा। इस दौरान मई से सितंबर के दौरान एक बार फिर आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे चीजें वापस पटरी पर लौट आएंगी। बात करें अगर खर्च की, तो छठे भाव में बुध और सूर्य की युति के कारण आपका खर्चा अधिक होने की आशंका है, जिसके प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर काफी खर्च करेंगे। ये बात की पैसों की। अब बारी स्टूडेंट्स की, कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, साल 2021 कैसा रहेगा ये सुनिए आपके लिए। इस साल आपको अपने परिश्रम के आपके परिश्रम और कर्म के आधार पर परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर में स्थित है और शुक्र और केतु युति में साल की शुरुआत में आपके 5वें घर में मौजूद रहने वाले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में बहुत कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केतु की स्थिति के चलते आपका मन विचलित रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साल जनवरी और अगस्त के महीने सबसे ज़्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। वहीं जो है बात के इसके अलावा जो है आपको इस अपने गुरुओं और शिक्षकों से उचित सलाह मशवरा या परामर्श लेने की भी जो है सलाह दूंगी मैं। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सितंबर से नवंबर के बीच की अवधि में की तुलना में अप्रैल के महीने में शुभ परिणाम हासिल होंगे। ऐसे में यदि आप वांछित परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी और जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये बात की हमने स्टूडेंट्स की। अब बारी फैमिली लाइफ की, कर्क राशि वालों के लिए फैमिली लाइफ कैसे रहेगी साल 2021 में ध्यान से सुनिए। इस साल की शुरुआत कुछ खास नहीं रहने वाली है। इसके साथ ही जो है आपके मकर राशि में सप्तम भाव में मौजूद शनि आपके चौथे घर को दृष्टि दे रहा होगा, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख की कमी महसूस की जा सकती है। इसके अलावा इस दौरान आपको अपने परिवार से समर्थन या सहयोग भी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव पैदा होने की प्रबल आशंका है। इस दौरान आपके परिवार के सदस्य आपके साथ संतोषजनक महसूस नहीं करेंगे, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें। हालांकि बार बार मिल रही निराशाओं से आपको थोड़ा तनाव या चिड़चिड़ापन हो सकता है। सूर्य बुध के साथ युति में है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार की तरफ से ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार करने में कामयाब रहने वाले हैं। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल साबित होगा।
परिवार में खुशियों का माहौल होगा क्योंकि बृहस्पति आपके दूसरे और चौथे घर को पहलू दे रहा होगा। इसके अलावा इस दौरान आपके परिवार में कुछ नए सदस्यों के शामिल होने की भी प्रबल संभावना है, यानी शादी वगैरह हो सकती है घर में किसी की। इसके अलावा वर्ष की पहली छमाही के दौरान तीसरे घर पर बृहस्पति के पहलू के कारण आपको अपनी सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हासिल होगी। ये बात की फैमिली की, अब बारी मैरिड लोगों की, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन साल 2021 में कर्क राशि वालों का संतान के लिए कैसा रहेगा ये सुनिए। इस साल आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि इस साल शनि और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक परिणाम मिलेगा। साथ ही दंपतियों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, वे इस वर्ष के दौरान भावनात्मक रूप से कमजोर रहने वाले हैं। बच्चों के घर के स्वामी मंगल और केतु और शुक्र की पंचम भाव में स्थिति इस वर्ष संतान की इच्छा रखने वाले जातकों के जीवन में कुछ कठिनाइयां ला सकते हैं। आपकी राशि के पंचम भाव में केतु की मौजूदगी के चलते इस पूरे साल आपके बच्चे को किसी जो है बार बार होने वाली समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको सलाह यह दी जाती है कि यदि आप अपने बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं तो उनके साथ ज़्यादा सख्त ना हो। बच्चों के लिहाज से इस पूरे वर्ष उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना है। बच्चों के स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। पांचवें घर में केतु की स्थिति आपके बच्चों को किसी भी बुरी से बुरी स्थिति के बावजूद उनका शानदार प्रदर्शन करने के काबिल बनाएगी। 15 सितंबर के बाद एक बार फिर बृहस्पति सातवें घर में गोचर कर जाएगा। इसके बाद का समय आपके लिए वापस से अनुकूल रहेगा। इस अवधि खास तौर पर आपके दूसरे बच्चे के लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। तो ये बात की हमने मैरिड लाइफ और संतान के विषय में। अब बारी लवर्स की, कर्क राशि के जो लवर्स हैं साल 2021 कैसा रहेगा ध्यान से सुनिए। आपकी राशि में प्रेम और संबंध के घर के स्वामी मंगल का शुक्र और केतु पांचवें घर में दृष्टि दे रहा है, जो आपके प्रेम जीवन में बाधा लाने का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेमी जातकों के बीच के संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। हालांकि वही दूसरी तरफ यह समय उन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है जो अपने लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी बेवजह किसी भी मामले में हड़बड़ी ना दिखाएं, क्योंकि केतु आपके पांचवें घर में तैनात है, जिसके चलते मामले में हड़बड़ी की वजह से आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। साल की शुरुआत से लेकर फरवरी तक आपको शुभ परिणाम हासिल होंगे। हाँ, लेकिन मार्च के मध्य से प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद मार्च से के मध्य से लेकर अप्रैल तक का समय आपके प्रेम जीवन में के लिए जो है अनुकूल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए जो है मई, अगस्त और सितंबर का महीना काफी अनुकूल रहने वाला है। ग्रहों की निरंतर गति आपके रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करके आपकी परीक्षा लेती रहेंगी, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस दौरान आप और आपके साथी हर चुनौती का बहादुरी से सामना करेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के निरंतर कोशिश में जुटे रहेंगे। इस स्थिति में आपको जरूरत है सचेत रहने की, समय समय पर अपने साथी के साथ थोड़ा बातचीत भी करते रहें। ये बात की हमने लवर्स की। अब बारी हेल्थ की, जो कि बहुत ख़राब रहा है सबका साल 2021 में, जिससे डर रहे हैं लोग। तो कर्क वालों की जो है का स्वास्थ्य कैसा रहेगा साल 2021 में ये सुनिए। इस साल आपको मिश्रित परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि शनि सातवें और आठवें घर का स्वामी इस वर्ष आपकी राशि के सातवें घर में होगा और आपके नौवें और चौथे घर को दृष्टि दे रहा होगा। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह बन सकती है, आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य ग्रह का स्वामी चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जो कि कर्क राशि के उन जातकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित ऐसे जातकों की परेशानियों का अंत होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपके विचारों में सकारात्मकता की भावना पैदा होगी। आपके लगन भाव पर बृहस्पति और शनि का संयुक्त पहलू होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक उचित और स्वस्थ आहार अपने जीवन में शामिल करेंगे। अप्रैल से सितंबर तक का समय आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है, लेकिन सितंबर के बाद आपके लिए समय वापस से अनुकूल होगा। तो शाकाहारी भोजन करें, स्वस्थ रहें, यही आपके लिए कह सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी अभी हुई हमारी कर्क राशि वालों के लिए। उपाय जान लीजिए क्या उपाय करने हैं आपको और किन उपायों से आप अपने आने वाले साल को बेहतरीन बना सकते हैं। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। इसके अलावा अपने घर में ही श्री यंत्र स्थापित कर लें और श्री यंत्र के सामने घी से भरा एक दीपक जलाएं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए आप रोजाना 108 बार गुरु बीज मंत्र का जाप करेंगे तो इससे फायदा मिलेगा। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें।
आप मंगलवार को भी मंदिर जा सकते हैं और वहां लाल रंग का कोई झंडा चढ़ाएं या फहराएं। इससे आपका मंगल मजबूत होगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो करके आप अपने साल 2021 को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी राशियों के भी जो है राशिफल हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना चाहिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, आप तक जो है जब भी वीडियो अपलोड होगी आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता AstroSage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब AstroSage वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।